नमस्ते, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको पिन कुशन बनाना बताने वाली हूँ। ये पिन का इस्तेमाल हम लोग सभी करते हैं, जो भी स्टिचिंग का काम करते हो। तो आज ये छोटी चीज़ें होती है जो कि खो जाती है हमसे, तो इसलिए इसे कैसे संभाल के रखा जाए, इसके लिए मैं आज आपके लिए कुशन बनाना इसका बताने वाली हूँ। तो इसके लिए कुछ खास चीज़ें, मुझे बस ये मैं रोल ले रही हूँ जो कि हमारा कैनवस आता है रोल, तो उसके अंदर हमें ये मिलता है। और ये हमारा फैब्रिक है जो कि हमारे पास वेस्ट पड़े हुए रहते। और ये मैं स्पंज ले रही हूँ जो मेरे पास है। अगर आपके पास ना हो तो आप स्कॉच ब्राइट का जो स्पंज आता है बर्तन धोने का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी ही चीज़ों से आप पिन कुशन बना सकते हो। तो मैं सबसे पहले स्पंज में मार्क कर लेती हूँ, इसे मैं कट कर लेती हूँ राउंड शेप में। इस तरह से इसे राउंड शेप में कट कर लेना है। यह मैं फैब्रिक है जो कि मैं बचा हुआ फैब्रिक हमारे पास होता है, मैं पहले देख लेती हूँ ये हमारा, तो ये हो जा रहा है तो मैं इसे सीधा कर लेती हूँ कपड़े को। इसके बाद यहाँ दोनों साइड में एक डेढ़ डेढ़ इंच छोड़ के कपड़ा मैं कट कर लेती हूँ। ये मैं एक हार्ड पेपर है उसे मैं ली हुई हूँ इसी के शेप का। अब मैं इसे इसके ऊपर फेविकॉल लगा के चिपका लेती हूँ। इस तरह से इसे फिक्स कर लेना है ताकि ये निकले नहीं। तो इसे मैं इस तरह से इसे अब मैं ड्राई होने देती हूँ। ये ड्राई हो चुका है, अब मैं इसे इसके ऊपर इस तरह से रोल कर रही हूँ। और लास्ट में मैं इसे फोल्ड करके सेलो टेप एक मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ ताकि ये हमारा फिक्स रहे, खिसके नहीं। तो इसके बाद मैं ये हमारा जो नीचे का है इसे मैं अच्छी तरह से फोल्ड कर लेती हूँ इस तरह से, और इसे भी मैं सेलो टेप की मदद से इसे चिपका देती हूँ। अभी इसे मैं यूज टेम्प्रोरी कर रही हूँ सेलो टेप का, बाद में मैं इसे हटा दूँगी। अब हमें ये ऊपर का जो पोर्शन है उसे इस तरह से कपड़े को अंदर डाल देना है, और फिर इसे भी अंदर की साइड में सेलो टेप की मदद से इसे मैं चिपका दूँगी अंदर की ओर। इस तरह से इसे अच्छी तरह से फिक्स कर देना है। अब ये जो हमारा फैब्रिक है बचा हुआ इसे मैं अच्छे से इसके अंदर फिक्स कर देती हूँ। हमें उतना दे फैब्रिक इसके अंदर डालना है ताकि वो हमारा हार्ड हो और थोड़ा हैवी भी हो जाए ताकि ये हमारा गिरे नहीं। अब ये मैं जो हम स्पंज कट करके रखी हुई हूँ उसके ऊपर मैं कपड़े को इस तरह से ले रही हूँ चारों ओर से राउंड करते हुए अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से बन गया है। अब मैं इसके ऊपर इसे लगाऊँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फेविकॉल लगा लेती हूँ ताकि ये चिपक जाए, निकले नहीं। इसके बाद इसे मैं इसके ऊपर चिपका दूँगी। इसे इस तरह से राउंड में अच्छी तरह से कपड़े को अंदर में डालते हुए इसे सेट कर लेना है अच्छे से। ये बहुत ही इजी वे में ये हमारा बनके तैयार हो गया पिन कुशन। तो अब ये जो वहाँ पे हम लोगों ने सेलो टेप लगाई हुई हूँ उसे मैं निकाल देती हूँ इस तरह से। और ये सुई है, मैं सुई धागे की मदद से इसे अब मैं फिक्स कर लेती हूँ ताकि ये हमारा कभी भी खुले नहीं। तो ये पिन कुशन बहुत ही आसानी से बन जाता है और जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए ताकि हमारा पिन नहीं खोए। तो ये देखिए बैक साइड में भी जो हमारा है, तो मैं यहाँ भी सेलो टेप ये जो मैं लगा के रखी हुई हूँ इसे निकाल देती हूँ, और फिर यहाँ भी सुई और धागा की मदद से मैं इसे फिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, इसे स्टिच कर लेती हूँ। मेरा दूसरा चैनल है जहाँ पे मैं अच्छे अच्छे डिजाइंस लेके आती हूँ, कुर्ती डिजाइंस, सलवार डिजाइंस और स्लीव डिजाइंस, ब्लाउज डिजाइंस, ये सभी तरह के डिज़ाइन मैं वहाँ पे एक का आइडिया मैं वहाँ पे देती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ मेरे उस चैनल को भी विजिट करें।
तो ये देखिए मेरा ये पिन कुशन तैयार हो गया। मैं उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर वहाँ जाके देखें एक बार। ये देखिए पिन कुशन मेरा रेडी हो गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।